नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल। आज हम इस वीडियो में रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं देखिए मैं जॉब से आया और जैसे ही मैं रिजल्ट के ऊपर गया और रिजल्ट पर जाने के बाद मैं अपना एनरोलमेंट नंबर डाला और खोला तो मेरा रिजल्ट वहाँ पर आ चुका था दोस्तों। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इग्नू का होम पेज है। हालाँकि ये आज नोटिफिकेशन के रूप में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये नोटिफिकेशन के रूप में है। लास्ट डेट री रजिस्ट्रेशन के बारे में, फ्रेश एडमिशन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपको बताऊंगा कि मेरा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है MCSE 004, ये मैथ का पेपर है। मैंने अगली बार एग्ज़ाम दिया था जिसमें से मेरे को 38 मार्क्स आए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 मार्क्स आए 100 में से, क्योंकि इसमें जो है मैंने अच्छा से मार्क्स मतलब सही से लिख के नहीं आया था। फिलहाल मतलब इतना लिख दिया था कि मेरे को पास कर दे, तो उसी हिसाब से ये मार्क्स आया है। तो आज मैं इसीलिए आया कि मेरे उम्मीद नहीं था कि ये पास करेगा, लेकिन फिलहाल 47 मार्क्स दे दिया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जॉब से आया और मैं देखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मेरे बारे में आप और जानकारी चाहिए तो इंटरेस्ट लेते हैं तो आज हम इस वीडियो में आगे भी बताएंगे, आपको कमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू की ओर से 47 जो अपडेट कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मेरा जो ये ग्रेड कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड कार्ड में MCSE 004, ये मेरा हैश करके लिखा हुआ नॉट कम्प्लीटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है मेरा MCA का जो पूरा पेपर है वो मेरा कम्प्लीट हो जाएगा। ऊपर मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा एनरोलमेंट नंबर है इसीलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो मार्क्स आया था ये आया है 107 और थ्योरी में है 31। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊँगा कि मैं दिल्ली में एग्ज़ाम दिया था और कहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पर मेरा एनरोलमेंट नंबर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम कोड दिख रहा होगा MCA। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा कौशल कुमार, मेरा नाम है, परीक्षा केंद्र ये 38036, ये कहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ITE दिल्ली सेंटर, यहाँ पर 31-2 इंडस्ट्रियल, यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट एरिया, यहाँ पर देख सकते हैं कि पंखा रोड जनकपुरी डी ब्लॉक ऑपोजिट सागरपुर बस स्टैंड न्यू दिल्ली के पास ये पड़ता है, ये एड्रेस दिया गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर, मेरे को एक ही पेपर था और मैं एक ही पेपर का एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पर देख सकते 30/12/2022 को एग्ज़ाम दिया था, आफ्टरनून में मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2:50। यहाँ पर आप देख सकते 2 बजे से 5 बजे तक मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये मेरा एडमिट कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से मेरा एडमिट कार्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये पेपर में एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पर यही पेपर को मैं लिख करके पास करा था। तो मैं इस वीडियो में आप ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं, अगर आपको भी इस पेपर में आपको कोई दिक्कत आता है या फिर इग्नू के MCA या BCA, खासतौर पर MCA और BCA पेपर में कोई भी आपको दिक्कत आता है, तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं पढ़ा हूँ तो थोड़ा बहुत मेरे पास नोट्स वगैरह हैं तो उसको मैं शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आपको डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट चाहिए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। जैसे मेरा नंबर है 87095-32330, ये मेरा नंबर है। तो आप अगर फ़ोन करते हैं तो मैं आपको नोट्स भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल यह दे सकते हैं, मैंने ये पेपर में एग्ज़ाम दिया था, तो ये पेपर भी बनाया था, सबसे पहला ये बनाया था। ये मेरे से रेगुलर फालसी मेथड, ये मैं इसको नहीं बना पाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर, ये जो सी वाला है इसको मैं रिजॉल्व करा था, ये लास्ट में ये सब रिजॉल्व किया था। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या किया था मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं जो आया था, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाया था, क्योंकि ये मेरे को आता था लैंगराज इंटरपोलेशन मेथड, इसके बाद LUD कंपोजिशन मेथड, ये सब मैं बनाया था। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं फिर ये भी बनाया था रुंजा कुत्ता मेथड, ये भी बना, अगर आपको चाहिए नहीं आता है तो मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर ये भी बनाया था। और इस तरह से मैं ये पेपर टोटल बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी बनाया था, ट्रेपेजोइडल रूल, सैमसंस रूल, ये सब आते हैं, तो ये सब मैंने बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से मैंने बनाया था टोटल पेपर और मैं पास भी कर गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुराने वाले पेपर हैं। तो अगर आपको चाहिए कोई नोट्स वगैरह चाहिए इग्नू में तो मैं आपको देख सकता हूँ। तो ये फ़िलहाल मेरा इसी तरह प्रकार से मेरा जो एग्ज़ाम है वो मैं पूरा कंप्लीट BCA और MCA दोनों पास कर गया हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं।
अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नंबर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ फ़िलहाल, जॉब करता हूँ नेटवर्किंग में। अगर नेटवर्किंग में आपको जॉब चाहिए तो मेरे नंबर जो दिया हूँ उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना है।